नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कालीचरण कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स न्यूज़, सच और कुछ नहीं। आइए आज की ताज़ा खबरों पर नजर डालते हैं, बनी रही हमारे साथ। संत गाडगे जन्मोत्सव पर धूमधाम से निकाली गई संत गाडगे अंबेडकर जन चेतना यात्रा। संत गाडगे सेवा आश्रम पट्टी बहादुरपुर से 8 किलोमीटर दूरी तय करके पसियानी पहुंची जन जागरूकता रैली। आश्रम पर स्थापित गाडगे प्रतिमा पर गाडगे अनुयायियों ने गाडगे प्रतिमा पर माल्यार्पण कर चढ़ाए श्रद्धा के पुष्प। ब्यूरो चीफ ब्रजलाल कुमार कृष्णा शाहजहांपुर। स्वच्छता के जनक महामानव संत गाडगे महाराज जी का जन्मोत्सव आज 23 फरवरी शनिवार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। संत गाडगे सेवा आश्रम पट्टी बहादुरपुर शाहजहांपुर जिले के थाना रोजा क्षेत्र के गांव पट्टी बहादुरपुर में बने संत गाडगे सेवाश्रम पर महामानव संत गाडगे जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि कर जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर धोबी समाज के लोगों ने आश्रम से संत गाडगे अंबेडकर जन चेतना यात्रा जागरूकता रैली भी निकाली, जिसका शुभारंभ स्वर्गीय आसाराम कनौजिया समाज सेवी की पत्नी उर्मिला व राम भजन लाल मास्टर साहब ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कार्यक्रम संयोजक विष्णु दयाल कनौजिया के नेतृत्व में ट्रैक्टर ट्राली चार पहिया वाहन मोटरसाइकिलों से सैकड़ों की तादाद में लोग सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं ने नारा लेखन की, तख्तियां लेकर लड़का लड़की सभी पढ़ाओ, घर घर विद्या दीप जलाओ, स्वच्छता को अपनाना है, अपना स्वरूप बचाना है, अनेक प्रकार के नारे लगाते हुए रैली स्कंदपुर, चकवितारा, अजीजपुर, अहमदनगर, गौरी कला, महोलिया आदि गांव में होते हुए पसियानी पहुंची, जहां संत गाडगे अंबेडकर जन चेतना यात्रा थाना रौजा क्षेत्र के ग्राम पट्टी बहादुरपुर संत गाडगे सेवा आश्रम से निकली और पड़ोस के गांव सरही, चकबिठारा, अजीजपुर, अहमदनगर, बहादुरापुर, गोरी, मोहलिया होते हुए संत गाडगे सेवा आश्रम के 8 किलोमीटर दूर ग्राम पसियानी में, जहाँ संत गाडगे अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, यहाँ समापन किया गया और समापन के साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथियों ने जिन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।